ये डिस्क्रिप्शन में मैसेजेस आते हैं कि डॉबरमैन, फ्रेंच मैस्टिफ, नेपोलियन मैस्टिफ, ग्रेट डेन, इनकी वीडियोस बनाइए। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। आज हमारे पास बहुत ही उमदा नस्ल के रॉटवाइलर्स हैं, चैंपियन ब्लड लाइन के हैं, हमारी सुल्तान की ही ब्लड लाइन है। ये भी सुल्तान ने ही मैटिंग किया था, तमिलनाडु से ये बच्चे आए हैं। बच्चे दीजिएगा। और इन बच्चों की जो माँ है वो तमिलनाडु में है, बाई कार वो मैटिंग होने आई थी बनारस मेरे पास, तो वहां से ये बच्चे आए हैं। ये हमारे स्टड के बच्चे, आज पहली बार इन बच्चों को हमने हाथ में लिया है। ये अभी बच्चे जस्ट आ ही रहे हैं, बाई फ्लाइट आए हैं वहां से। तो एक शो क्वालिटी हेवी बोन पंच फेस रॉटविलर की पहचान क्या है? एक रॉटविलर का मुंह हमेशा, देखिए, एक रॉटविलर का फेस हमेशा पंच होना चाहिए, जैसे कि इस बच्चे को आप देख रहे हैं। पॉज चौड़े होने चाहिए, टेल जो होती है सीधी होती है, दूध कभी तीखी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों रॉटविलर हैं, काफी हेवी, काफी अच्छे रॉटविलर्स हैं, आगे से पीछे से हर तरफ से। और साथ ही में एक इलाज के लिए हमारे पास बच्चा आज रॉटविलर का है, जो कि प्योर भी नहीं है और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। वो वाला बच्चा हमें दीजिएगा, जो भाई साहब बाहर खड़े हैं, उनका जो बच्चा। देखिए, हम आप लोग को एक छोटा सा कंपैरिजन दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को अंतर समझ में आए। देखिए, है ये भी रॉटविलर, तो ये कहाँ से लिया गया था, कहाँ से आया था मुझे नहीं पता। तो ये जनरल रॉटविलर है, ये पंजाब या अम्बाला से कहीं से वो मंगवाए हैं उन्होंने और ये आया है। और ये ओरिजिनल प्योर रॉटविलर, ये बच्चा 40 से 42 दिन का है और ये बच्चा जो है 30 दिन का है। 30 दिन के बच्चे में और 45 दिन के बच्चे में आप इतना ज्यादा अंतर देख सकते हैं, और ये सारा अंतर स्पष्ट है और आपके आंखों के सामने है। अब ये दोनों बच्चे देख लीजिए और ये बच्चा देख लीजिए, काफी अंतर होता है। तो इसको रखिएगा इसकी जगह। तो जब भी ले, हमेशा रॉटविलर में एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि फेस शुड बी पंच, पॉज चौड़े होने चाहिए। कुछ रॉटविलर की 6-6 उंगलियां होती हैं। तो अच्छा, एक मिथ मैं और दूर कर दूं, लोगों का कहता है ये 20 उंगली वाला है या 18 उंगली वाला है, हालांकि ये दोनों 18-18 के हैं, लेकिन अगर 20 का भी होता तो क्या, कोई परवाह नहीं। 21 उंगली होती तो भी कोई परवाह नहीं। ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां, वो भी इंसान है, हमारी 5 ही है, हम भी इंसान है। हमारे दादाजी की 6 उंगलियां थी, वो भी इंसान थे। हो सकता है मेरे दादाजी के बाद पिताजी की नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, मेरे बच्चे की हो जाए भविष्य में। तो उंगलियों का कोई चक्कर नहीं। अब लोग आते हैं मुझसे, कहते हैं भाई बिसाहा है तो बड़ा काटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उंगलियों से काटने का कोई लेन देन नहीं है। तो ये थे रॉटविलर, और इनको अडॉप्ट करने के लिए यूट्यूब के ही माध्यम से हमारे पास भाई आनंद है। आनंद भाई प्लीज आइएगा। तो ये इनके ओनर हैं, नए ओनर हैं, और आनंद जी इन बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं। आनंद भाई, दो शब्द अगर आप कुछ कह दें हमारे व्यूअर्स से। जरूर। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, माय सेल्फ आनंद सिंह, मैं SMS कॉलेज के पास से भदौर गांव से आया हूं, और मैंने नेट पर सर्च किया डॉग कैनल, तो आया जो है सौरभ डॉग कैनल। तो मैंने इनसे फर्स्ट टाइम बात किया, और किसी से बहुत सारा है लेकिन फर्स्ट टाइम बात किया मैंने इनसे, और इनसे पूछा इनके इसके अबाउट कैनल के अबाउट। तो इन्होंने बताया और मैंने बोला ठीक है, आपके यहाँ से मुझे कुछ पिक्स चाहिए। तो ये बोले हमारा चैनल देख लीजिए आप, ये अपना बोले सौरभ डॉग कैनल के नाम से यूट्यूब पर इनका चैनल मैंने देखा, और सच बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ब्रीड देखकर। और एक ही बार में मैं इनको आया, कल ही आया और पसंद किया और एडवांस किया, बुकिंग किया और आज लेने आ गया, और ये देखकर सेटिस्फाइड, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ बच्चे, और धन्यवाद करना चाहता हूँ सौरभ भाई को जो मुझे इतना अच्छा बच्चा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत प्यार से इन बच्चों की आप परवरिश करिएगा एकदम, और ये अपने इलाके के नहीं, अपने प्रदेश के सबसे बेस्ट और टॉप क्लास के रॉटविलर साबित हो। जरूर जरूर। चलिए, थैंक यू आनंद जी। ये थे आनंद जी जो इन बच्चों को ओन कर रहे हैं, मेल फीमेल ये दोनों बच्चे हैं। तो आप लोगों में से भी अगर कोई इच्छुक हो रॉटविलर के या किसी भी ब्रीड के, तो मोस्ट वेलकम, हमारे वाराणसी ब्रांच में आइए या मुंबई ब्रांच में आइए, या फिर हमारे चैनल को विजिट करिए, और जो बच्चा आपको यहाँ दिखाया जाता है वही बच्चा आपके घर पे हैंडओवर होगा। थैंक यू।